Hey guys, welcome back to our channel. चलो ये टोकरी को बनाते हैं for my mother. आप भी try करना. So यहाँ पर हमको इस टोकरी को बनाने के लिए पहले उसका base बनाने के लिए 3 cm की एक paper पर line खींच के उसे cut करेंगे. Then उसे फिर zigzag करेंगे. My favorite part. Let's do it. ऐसे zigzag हम दो करेंगे और उन्हें आपस में एशियन पेंट्स के ग्लू से चिपका देंगे. ये बहुत ही अच्छा ग्लू है. आप भी खरीदना 10 rupees पर पीस. मैंने ऐसे 5 का सेट खरीदा है. ऐसे हम इसे अच्छे से चिपका देंगे और इसे चिपकाने के बाद जो दूसरी साइड है उसे भी हम ऐसे ही चिपका देंगे. चलो इससे ही फैला लेती हूँ. इसे चिपकाने के बाद ये जो बाहर है उसे हम घुमा के अंदर की साइड ले आएंगे ऐसे. और अब इसके बेस में एक तरफ से हमें चिपकाना है जिससे कि टोकरी जैसा शेप आ जाए. सो हम टेप से एक बार इसे चिपकाएंगे. ये बहुत ही टफ पार्ट है लेकिन बहुत ही प्यारा है और एशियन पेंट्स के ग्लू से ये चिपक भी जाएगा आसानी से. तो अब हम इसे भी चिपकाते हैं. तो उसके लिए कार्डबोर्ड पे हम टेप की मदद से सर्कल बनाकर उसे कट करेंगे और इस सर्कल को वाइट पेपर पर पेस्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे. एंड पेस्ट करने के बाद इसे भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पर टोकरी के बीच से चिपका देंगे. बन गई ना हमारी टोकरी. चलो अब इसका हैंडल बनाते हैं. उसके लिए हम एक स्ट्रिप काटेंगे और उसे दोनों तरफ से जो टोकरी का बीस है उससे चिपका देंगे. अब हम फ्लावर बनाते हैं फॉर द डेकोरेशन. क्राफ्ट के पेपर को ऐसे फोल्ड करके हम फ्लावर का शेप बनाकर उसे कट करेंगे. देन उसे जब ओपन करेंगे तो वो फ्लावर बन जाएगा. अब हम सीजर की हेल्प से इसे थोड़ा कर्ल कर देंगे एंड टोकरी के थोड़ा मीडियम के पास साइड में चिपका लेंगे. एंड हाँ गाइस, आप चाहे तो इसे बीट से भी डेकोरेट कर सकते हैं. अब हम डिज़ाइनर कैची से जो हमारा नीचे का पार्ट है उसमें बॉर्डर चिपकाएंगे. और हाँ, बचे कुछ स्ट्रिप्स हम ऊपर पेस्ट कर देंगे. आप इसे पॉम पॉम से भी डेकोरेट कर सकते हैं और फ्लावर से भी कर सकते हैं. मैं यहाँ एक कपड़ा ले लूँ जो कि फर वाला है तो मैं उससे डेकोरेट कर दूँ. और रेडी है माई टोकरी? कमेंट में बताना.